इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2021। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, सेना की तरफ से 14,000 जेएससीओ की वैकेंसी के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। बिल्कुल दोस्तों, ये न्यूज जू न्यूज में पब्लिश की गई है, इंडियन आर्मी की तरफ से दिलवाई गई। आखिर 14,000 जेएससीओ की एक साथ वैकेंसी होगी, तो इस भर्ती के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों। एज क्रिटेरिया में भी भारी छूट आपको दी जाएगी। अगर आप भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं, इंडियन आर्मी या फिर टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। अब आपको डायरेक्टली जेएससीओ के पद पर जाने का भी एक बड़ा मौका दिया जा रहा है दोस्तों। सेना की तरफ से एक बड़ी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है सेना में भर्ती करने के लिए युवाओं को। बिल्कुल, भारत की सेना को मजबूत करने के लिए 14,000 जेएससीओ की वैकेंसी निकाली जा रही है दोस्तों। इसको लेकर हम संपूर्ण जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और आगे आने वाले इंडियन आर्मी के हर छोटे से बड़े सभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। पूरी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप पूरी डिटेल भी चेक कर पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के पास। बड़ा और अच्छा रिक्रूटमेंट, 14,000 एक साथ जवानों की भर्ती की जाएगी, वो भी जेएससीओ के पद पर। बिल्कुल, यहां पर आप देख रहे होंगे फोटो में। अब मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूं। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2021, इंडियन आर्मी के सभी आर्मड सर्विस में, सभी आर्मड फोर्सेज में 14,000 जूनियर कमीशन्ड ऑफिस जेएससीओ की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के सीधे जूनियर कमीशन अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। पूरी जानकारी हम आपको बता देते हैं। भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी में नौकरी का बेहतरीन अवसर आने वाला है। वही इंडियन आर्मी के सभी आर्म सर्विस में 14,000 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की भर्ती पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों की सीधे जूनियर कमीशन अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि यह भर्ती परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी और इसके बाद अंतिम चयन के लिए एसएसबी साक्षात्कार और मेडिकल परीक्षा आयोजित करेगा। अब पूरी जानकारी मैं बता देता हूं। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 भर्ती के लिए 1.5 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। दिए गए प्रस्ताव में यह कहा गया है कि चयनित उम्मीदवारों को जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में यूनिट्स में शामिल होने से पहले 1.5 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें सेवा अनुभव और योग्यता के आधार पर रैंक दी जाएगी, जिसके अंतर्गत कर्नल तक के अधिकारियों के रूप में पदोन्नति किया जाएगा। आपको रिपोर्ट के मुताबिक मई में कमांडरों के होने वाले सम्मेलन में इस को प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि जूनियर कमीशन अधिकारी जेएससीओ ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें प्रदर्शन और परीक्षा के आधार पर अधिकारी पदों पर पदोन्नति किया जाता है। वर्तमान में कुछ अधिकारियों को धार्मिक शिक्षक के रूप में और कुछ तकनीकी हथियारों में इंजीनियरिंग के रूप में नामांकित किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर बता देता हूं मैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर केटरिंग, इस पद के लिए 10+2 बारहवीं पास होना चाहिए। बारहवीं पास किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या विश्वविद्यालय या फूड प्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट से कुकरी, होटल मैनेजमेंट और केटरिंग रैंक में 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य। वही AICTE की मान्यता अनिवार्य नहीं है। उसके अलावा दोस्तों बता देते हैं, जूनियर कमीशन अधिकारी धार्मिक शिक्षक, इस विशेष सूची में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को धार्मिक संप्रदाय के अनुसार यह योग्यता होनी चाहिए। अब मैं बता देता हूं, गोरखा रेजिमेंट के लिए संस्कृत में शास्त्री के साथ कैंडिडेट कर्मकांड में 1 साल के डिप्लोमा के साथ शास्त्री ग्रंथी सिख उम्मीदवार, लद्दाख स्काउट्स के लिए मौलवी अरबी में मौलवी अलीम के साथ मुस्लिम उम्मीदवार या उर्दू में अदीब अलीम। वही बौद्ध भिक्षु की बात करें तो उम्मीदवार से उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा भिक्षु बौद्ध पुजारी ठहराया गया है। मुख्य पुजारी को खंपा या लोपोन या रबजम के गैसे या मठ से उचित प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए। जेएससीओ भर्ती 2021 में चयन प्रक्रिया में बता देता हूं, जूनियर कमीशन अधिकारी का चयन एसएसबी साक्षात्कार और एक मेडिकल परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। काफी अच्छी बात, बिल्कुल काफी अच्छी भर्ती है रिक्रूटमेंट। 14,000 पदों का सेना की तरफ से बड़ा रिक्रूटमेंट निकाला जा रहा है। अगर आप भी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दे, ताकि सेना भर्ती से रिलेटेड, चाहे वो इंडियन आर्मी की हो या टीए आर्मी की हो, उससे रिलेटेड अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।